विदिशा में तमाम उचित मूल्य की दुकान के संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि उचित मूल्य की दुकान पर जो राशन आता है वो घट जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। और दूसरी ओर POS मशीन के स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में अंतर है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा ये भी मांग की गई कि कोरोना काल में रिस्क लेकर लोगों को राशन वितरित किया, हमें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करने और अन्य व्यवस्थाएं करने की मांग ज्ञापन के जरिए की गई। शर्मा विक्रेता नगर विदिशा, कुछ हमारी समस्याओं को लेकर हम आज आवेदन दे रहे हैं। इसमें हमारी समस्याएं कुछ हमारे विजय शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी ने बता दी हैं, और समस्याओं में हमारी ये कोरोना काल में हमने वितरण किया, उसमें हमें ना तो उसमें कोरोना के उसमें रखा उन्होंने हैं, और कोरोना में क्या नहीं रखा आपके लिए कोरोना में, उसमें कोरोना योद्धा के रूप में हमें मतलब नहीं रखा गया, सम्मानित नहीं किया गया है। और ये हमारे दुकान में जैसे घटती आती है हर माह जो इकट्ठा सामान आता है, और हम छोटी तोल रख कर उसे तोलते हैं बार बार तोल में वो घटती हर माह आती है। कितनी घटती हो जाती है एक बोरे पे? एक बोरे पे कम से कम पर किलो के हिसाब से